हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, जिसमें हम कवर करने वाले हैं आपके अध्याय 2 आकांक्षी जिले एवं जनसंख्या। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना है। आप में से बहुत लोग के मैसेज और कमेंट आते हैं कि जब कभी मेरे वीडियो अपलोड होते हैं तो प्रॉपर उसके मैसेज एंड नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाते, तो इसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर महीने आपको मैं कम से कम 4 वीडियो आप लोग को अपलोड करके दूंगा, ठीक 4 वीडियो बना करके दूंगा। तो अब इसका मैं पर्टिकुलर एक डे डिसाइड कर रहा हूँ, एक दिन डिसाइड कर रहा हूँ कि किस दिन आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। हर संडे सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। यदि आपके तक मैसेज पहुंचता भी नहीं है तो आप संडे मॉर्निंग 8 से 8:30 बजे के बाद कभी भी हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिएगा, आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा। ये डे भी आप लोग को देख करके ही ये आपका दिन डिसाइड किया गया है। संडे के दिन मैक्सिमम कोचिंग सेंटर ऑफ रहते हैं, साथ ही साथ जो जॉब वाले हैं तो जॉब लोग का जो ऑफिस वाले भी है तो उनका ऑफिस भी ऑफ रहता है, ठीक। तो संडे के रोज मेरे हिसाब से सभी के सभी फ्री रहते हैं, तो संडे के दिन आपको एक नया वीडियो मिल जाएगा सुबह 8 से 8:30 बजे के बाद, ठीक। कभी भी चैनल विजिट कीजिएगा, आपको एक नया वीडियो हमारे चैनल पर दिख जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, अध्याय 2 आकांक्षी जिले एवं जनसंख्या। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण के जो आपका अध्याय 2 है, हर बार के आर्थिक सर्वेक्षण आप देखे होंगे तो उसमें जो अध्याय 2 रहता है उसमें जनसंख्या वाला टॉपिक रहता है, जिसमें जनगणना 2011 के आंकड़े रहते हैं। जनगणना 2011 के आंकड़े जिसमें छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आंकड़े दिए रहते हैं, लेकिन इस बार जो छत्तीसगढ़ का आपका आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इस बार के छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण में जनगणना 2011 के आंकड़े दिए गए हैं, जनसंख्या के आंकड़े दिए गए हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों के आंकड़े ना दे करके इसमें छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों के आंकड़े दिए हैं। आकांक्षी जिले क्या होते हैं आपको आगे बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में टोटल 10 आकांक्षी जिले हैं, तो छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के आंकड़े नहीं दिया है इसमें छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों को मेन फोकस किया गया है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो आपके इस बार मेंस देने वाले हैं, मेंस वालों को भी मैं यही बोलूंगा कि ये आकांक्षी जिलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डाटा है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों लाया गया आकांक्षी जिलों का कॉन्सेप्ट, इसका एक प्रॉपर नोट्स बना के रख लीजिएगा, नेट से थोड़ा सर्च कीजिएगा, थोड़ा डिटेलिंग में सर्च कीजिएगा क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया है, कि मतलब पर्टिकुलर आकांक्षी जिलों की अलग से श्रेणी क्यों बनाई गई, इसको थोड़ा सा अलग से टारगेट करके, थोड़ा उसमें फोकस करके इन चीजों का इंपॉर्टेंट पॉइंट एक कीवर्ड बना करके इसको थोड़ा नोट डाउन करके रखिएगा। देखिए आकांक्षी जिले क्या होते हैं, यहां तक का जो ये जो इतना यहां तक का जो टॉपिक है ये आपको इकोनॉमिक सर्वे वाले बुक में नहीं मिलेगा, आर्थिक सर्वेक्षण वाले बुक में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगी। इसे मैंने कहीं दूसरे नेट से कुछ बुक से इन डाटा को कलेक्ट किया है, समझिएगा इंपॉर्टेंट है। आकांक्षी जिले, देखिए आकांक्षी जिले क्या होता है, भारत में आपके बहुत से जिले हैं जो कि पिछड़े हुए हैं। उनके पिछड़ेपन का मेन कारण क्या है, वहाँ का भौगोलिक संरचना, भौगोलिक परिवेश, पहाड़ी जो प्रदेश है, इसके साथ साथ जो वहाँ पे जो पहुँच पाना काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ पे पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल है, इस कारण से सरकार वहाँ तक बुनियादी अधोसंरचना या बुनियादी सुविधाएं वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती। बुनियादी सुविधा मतलब सड़क, आप तक सड़क सुविधा मुहैया नहीं करा पाती, वहाँ पर प्रॉपर आपकी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ तक नहीं पहुँचा पाती। क्यों? क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में काफ़ी ऊँचे ऊँचे क्षेत्रों में वो बसे हुए हैं, काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों में बसे हुए हैं, साथ ही साथ काफ़ी भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ तक पहुँच पाना संभव नहीं है। तो ऐसे जिलों को भारत सरकार ने टारगेट किया है। देखिए भारत में तो वैसे कम से कम 200 से 250 के आसपास आपके पिछड़े हुए जिले हैं, लेकिन नीति आयोग के द्वारा, भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा नवंबर दिसंबर 2017 में भारत के 468 जिले, भारत के 468 जिलों में से, देखिए अभी हो सकता है कि भारत में जिलों की संख्या बढ़ गई हो, लेकिन जब नीति आयोग ने नवंबर दिसंबर 2017 में आपके आकांक्षी जिलों की जब सूची तैयार की थी तो उस समय भारत में जिलों की संख्या थी आपकी 468। तो भारत सरकार के नीति आयोग के द्वारा नवंबर दिसंबर 2017 में भारत के 468 जिलों में से 115 जिलों को पिछड़े हुए जिले के रूप में चिन्हित किया और इन्हें आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भारत में पिछड़े हुए जिले तो काफी है, लगभग 200 से 250 के आसपास आपके पिछड़े हुए जिले हैं, तो 200 से 250 आपके पिछड़े हुए जिलों में से नीति आयोग ने 115 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया। देखिए अब ऐसा क्या कारण है कि इन 115 जिलों को ही आकांक्षी जिलों के आपके सूची में शामिल किया गया है। ये जो आकांक्षी जिलों में जो आपके जिले शामिल किए गए हैं वो ऐसे जिले हैं जिनके पास उनके विकास के लिए आपके
संसाधन मौजूद है, उनके विकास के लिए स्वयं की भूमि पर उनके संसाधन मौजूद है, वहाँ पे औद्योगिक दृष्टि से वो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इसके बावजूद भी वो जिले पिछड़े हुए हैं। वहाँ पे औद्योगिक विकास तो हो रहा है लेकिन मानव विकास वहाँ पर नहीं हो रहा है। मानव विकास क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हम बात करें छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ आपका जनजाति बहुल आपका प्रदेश है, यहाँ की जो आपके आदिवासी जनजाति है वो अपने भूभाग से इतना मतलब जुड़ी हुई है कि वो समाज की मुख्य धारा में वो खुद भी नहीं आना चाहती, स्वयं की इच्छा से वो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं होना चाहते। वो छत्तीसगढ़ के जो आपका डेवलप सिटी है उससे वो कटे रहना चाहते हैं, ठीक, साथ ही साथ अपने इस क्षेत्रों में वो किसी बाहरी हस्तक्षेप भी नहीं चाहते। तो जबकि देखा जाए, देखिए अगर मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल लेके चलूँ तो छत्तीसगढ़ में जो आपका बस्तर संभाग है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज़्यादा खनिज रूप से अगर यदि देखा जाए, खनिज संसाधन हमारे बस्तर संभाग में मौजूद है, लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे वो काफ़ी पिछड़ा हुआ संभाग भी हम उसे कह सकते हैं। क्यों? आदिवासी बहुल है, दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी प्रदेश है, ठीक, वहाँ तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम दूसरी ओर देखें तो खनिज संसाधन से डेवलप है, वहाँ पर आपका हीरा मिलता है, गार्नेट मिलता है, अभ्रक मिलता है, टीन मिलता है, लौह अयस्क मिलता है, ठीक। अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ सरकार का, आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ सरकार के कुल राजस्व का लगभग 27% राजस्व खनिजों के दोहन से प्राप्त होता है। तो सबसे जो आपका खनिज का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आपका बस्तर संभाग है। लेकिन बस्तर संभाग ही जो बस्तर संभाग में रहने वाले लोग हैं वो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को खनिज संसाधन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्व के रूप में बस्तर संभाग से मिलता है, लेकिन इसके बदले में जो आपकी राज्य सरकार है इस बस्तर संभाग में रहने वाले लोगों तक बुनियादी सुख सुविधाएं नहीं पहुंचा पा रही। तो इन सब जो ये सब जो प्रमुख कारक है इनको टारगेट करते हुए, यानी ऐसे जिले जिनके पास उचित संसाधन मौजूद है, औद्योगिक दृष्टि से डेवलप है, ऐसे जिलों को टारगेट किया गया है और इन जिलों को अब उन जिलों के मतलब जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को केंद्र सरकार यह निर्देश कर रही है कि ये जो आकांक्षी जिलों में जो आपके जो जिले शामिल है, आकांक्षी जिलों की सूची में जो जिले शामिल है उनके डेवलपमेंट के लिए अब थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपको क्योंकि राज्य सरकार को उन जिलों से राजस्व मिल रहा है, उनसे प्रॉफिट हो रहा है, तो अपने इन प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इन जिलों के डेवलपमेंट में आपकी राज्य सरकार लगाए। ये है आपका आकांक्षी जिला, ठीक। देखिए भारत में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कितने जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है, तो भारत में 468 में से 115 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है, ठीक, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2017 में। जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने आपके 49, ठीक, यानी 49 संकेतकों में 49 संकेतकों यानी 49 इंडेक्स संकेतकों मतलब इंडेक्स, ठीक, टोटल आपका 49 संकेतकों मतलब संकेतकों में डिवाइड किया था, मतलब किस किस इंडेक्स के आधार पर, बहुत सारे इंडेक्स बने थे, उस इंडेक्स के आधार पर इस आकांक्षी जिलों की सूची शामिल की गई, ठीक। ये जो आपका 49 इंडेक्स है वो 5 क्षेत्रों से लिए गए थे, यानी इन पांच क्षेत्रों के आधार पर यह इंडेक्स तैयार किया गया था। देखिए वो पांच क्षेत्र कौन कौन से हैं, जैसे स्वास्थ्य और पोषण, सेकंड नंबर पर है शिक्षा, थर्ड नंबर पर है कृषि एवं जल संसाधन, फोर्थ नंबर पर है वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, और फिफ्थ नंबर पर है बुनियादी अधोसंरचना, ठीक। तो ये जो आपके पाँच क्षेत्र है, इन पाँच क्षेत्रों से ही आपके 49 इंडेक्स यानी 49 संकेतकों की एक टेबल बनाया गया था, जिसके आधार पर आपके आकांक्षी जिलों की एक सूची तैयार की गई, ठीक। यानी स्वास्थ्य और पोषण में यदि देखा जाए, जैसे स्वास्थ्य और पोषण एक क्षेत्र है, इसे बहुत सारे चीज आ जाते हैं, जैसे मातृत्व मृत्यु दर हो जाता है, शिशु मृत्यु दर हो जाता है, कुपोषण हो जाते हैं, तीन संकेतक या इंडेक्स तो ऐसे ही हो गए। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की पहुंच हो गई या शिक्षा का स्तर हो गया। उसके बाद कृषि एवं जल संसाधन देखें तो कृषि में देखेंगे तो कितना आपकी सिंचाई सुविधा वो मुहैया कराई जा रही है। जल संसाधन हो गया, वित्तीय समावेशन हो गया, वित्तीय समावेशन मतलब ऋण सुविधा हो गया, या कृषि आपका कृषि क्षेत्र में जो आपके ऋण मुहैया कराती है, अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, तो ये अलग अलग आपके इंडेक्स होते हैं, ठीक। बुनियादी अधोसंरचना में मतलब बिजली हो गया, पेयजल आपूर्ति हो गया, सड़कें हो गई, ठीक, ये सब है आपकी बुनियादी। तो ऐसे आपके इन पाँच क्षेत्रों से लगभग 49 इंडेक्स तैयार किए गए थे, और इस 49 इंडेक्स के आधार पर ही इन आकांक्षी जिलों की सूची तैयार की गई, ठीक।
देखिए अब किस राज्य में सर्वाधिक आकांक्षी जिले मौजूद हैं, किस राज्य में सर्वाधिक आकांक्षी जिले मौजूद हैं, तो देखिए झारखंड, झारखंड में, भारत में झारखंड राज्य में सर्वाधिक आकांक्षी जिले मौजूद हैं। झारखंड के 19 जिलों को 115 में से 19 जिले झारखंड के इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। सेकंड नंबर पर है आपका बिहार, जिसके 13 जिले इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जिसके 10 जिले इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। टॉप थ्री का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत में 115 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है झारखंड, जिसके सर्वाधिक जिले यानी 19 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है। सेकंड नंबर पर है बिहार, जिसके 13 जिलों को आपके आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया। और तीसरे नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़, जिसके 10 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ से चालू होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण के, जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण के बुक में दिए हैं वो वाले आंकड़े अब यहाँ से चालू होते हैं। ये है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के 10 जिले, छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के 10 जिलों को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल किया गया। अब वो 10 जिले कौन कौन से हैं, सभी के सभी, देखिए आपका जो आपको पढ़ाई करना है या जो जो भी चीज़ आप कोई भी आंकड़े पढ़ते हैं, तो आंकड़ों को आप जैसे बोलते हैं ना, काफ़ी मेहनत करके चीज़ों को याद करने से अच्छा है आप थोड़ा स्मार्ट स्टडी कीजिए, चीज़ों को शॉर्ट करके पढ़ने का कोशिश कीजिए। जैसे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक 10 जिले के, छत्तीसगढ़ के 27 जिले में से चुन चुन करके 10 जिलों को याद करेंगे, वैसा नहीं करना, शॉर्टकट याद कीजिए। देखिए 10 जिले हैं तो 10 में से 7 आपके बस्तर संभाग के, याद भी आपको ऐसे ही करना है, याद भी आपको ऐसे ही करना है। 7 जिले बस्तर संभाग के, 3 अन्य जिले, देखिए 7 जिले बस्तर संभाग के। अब आप सभी को मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा, बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में कितने जिले हैं, 7 जिले, सातों के सातों जिले यानी कि पूरा का पूरा बस्तर संभाग आपके इस आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। ठीक, उसके बाद है अगला है आपका कोरबा, उसके बाद है महासमुंद, फिर है आपका राजनांदगांव। 7 जिले बस्तर संभाग के, 8वां जिला कोरबा, 9वां जिला आपका महासमुंद, 10वां जिला है आपका राजनांदगांव। 7 जिले बस्तर संभाग के, बस्तर संभाग के 7 जिले कौन कौन से हैं आपको मालूम ही होगा, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, बस्तर है, सुकमा है, कोंडागांव है, बीजापुर है, नारायणपुर है, ये 7 जिले हैं। तो ये 7 जिलों को अलग अलग याद करने से अच्छा है कि बस्तर संभाग के 7 जिले करके याद कर लीजिए। उसके बाद आपका राजनांदगांव है, राजनांदगांव के बाद महासमुंद है, महासमुंद के बाद आपका कोरबा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, देखिए अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस आर्थिक सर्वेक्षण में जो जो भी आंकड़े दिए गए हैं, ये छत्तीसगढ़ के इस 10 आकांक्षी जिलों को टारगेट करके बनाया गया है। ठीक, 10 आकांक्षी जिले यानी बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस कोरबा प्लस राजनांदगांव प्लस आपके महासमुंद। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि सुन के आपको चीज़ें याद हो जाए। ठीक, हो सकता है कि वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन बार बार रिपीट करने का कारण यही है कि आपको वीडियो देखते देखते ही आपको इन जिलों का नाम याद हो जाए, आपको ये आंकड़े याद हो जाए। ठीक, देखिए जनगणना 2011, जनगणना 2011 के अनुसार ये जो जनसंख्या है, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या, जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 26.88% 26.88% 26.88% जो आबादी है इस 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 26.88% आबादी इन 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखो ये जो 10 आकांक्षी जिले हैं यानी 7 बस्तर संभाग, कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव, इन 10 आकांक्षी जिलों में से सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक आबादी आपके राजनांदगांव में निवास करती है। राजनांदगांव में लगभग 6% आबादी आपके राजनांदगांव में निवास करती है। मिनिमम है आपके नारायणपुर, नारायणपुर में है आपका 0.55%। ये जो आपका 26% है, 26% तो छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का आपका 26.88% आबादी आपके 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है, लेकिन इस जो 10 आकांक्षी जिले हैं उसमें से सर्वाधिक आबादी आपके राजनांदगांव में निवास करती है, सबसे कम आबादी आपके नारायणपुर में निवास करती है। देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये 26.88% ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या याद करना है, मैक्सिमम और मिनिमम, सर्वाधिक जनसंख्या आपके किस आकांक्षी जिले में आपकी जनसंख्या सर्वाधिक है, राजनांदगांव में, किस आकांक्षी जिले में आपकी जनसंख्या सबसे कम है, वो है आपके नारायणपुर में।
पहले आप जिलों के नाम याद रखिएगा, फिर इनके इंडिविजुअल परसेंट को यदि आप याद कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छा है, कंपटीशन टफ हो रहा है। ज़्यादा डीप में गया तब इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वरना यदि इनसे प्रश्न पूछा गया तो सीधे जिलों से प्रश्न पूछा जाएगा कि 10 आकांक्षी जिलों में से किस जिले में आपकी जनसंख्या सर्वाधिक है और किस जिले में जनसंख्या न्यूनतम है। ठीक, उसमें आपसे ये परसेंटेज नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है, ये 26.88%, उसके बाद मैक्सिमम कौन सा जिला है, मिनिमम कौन सा जिला है, उसके बाद फिर इन जिलों के आपके परसेंटेज को याद करते चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। अनुसूचित जाति, छत्तीसगढ़ में जो आपकी अनुसूचित जाति वर्ग की कुल आबादी का, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति वर्ग की कुल आबादी का 15.84% आबादी इन छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जाति, सॉरी, छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, छत्तीसगढ़ की कुल अनुसूचित जाति का 15.84% आबादी इन 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है। यदि हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम देखें तो मैक्सिमम है आपका राजनांदगांव, मिनिमम है आपका सुकमा, यानी छत्तीसगढ़ की कुल आबादी में यदि 10 आकांक्षी जिलों की यदि हम श्रेणी में देखें तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति आपके 10 आकांक्षी जिलों में आपके राजनांदगांव में सर्वाधिक निवास करती है, सबसे कम निवास करती है आपके सुकमा में। परसेंट देखें तो राजनांदगांव में आपका 4.78% है और सुकमा में है आपका सबसे कम 0.08%। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पहले जिलों का नाम याद रखिए, ये 15.84 वाला इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया तो सबसे पहले इससे प्रश्न पूछेगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक, अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब। तो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली कुल अनुसूचित जनजाति वर्ग का 41.52% कुल अनुसूचित जनजाति वर्ग का 41.52% यानी 41.52% आबादी आपके छत्तीसगढ़ के इस 10 आकांक्षी जिलों में निवास करती है। ठीक, इसमें मैक्सिमम है आपका बस्तर, मिनिमम है आपका नारायणपुर। 10 आकांक्षी जिलों में से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाली आबादी आपके बस्तर में निवास करती है 6.66%, सबसे कम निवास करती है आपके नारायणपुर में 1.38%। देखिए, आपको मैंने जैसे कहा इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो रेड कलर से लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या याद करना है, जिलों के नाम याद करना है, किस जिले में सर्वाधिक है, किस जिले में कम है, ये सब याद हो गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको याद करना है इसके परसेंटेज, सबको एक साथ याद करने का कोशिश मत कीजिएगा, अभी आर्थिक सर्वेक्षण में बहुत सारे आंकड़े हैं, सबको याद करना है तो थोड़ा थोड़ा करके याद करिएगा। देखिए, नेक्स्ट है आपका 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या, 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में, छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में कितने, मतलब 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या कितनी है, इस 10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या कितनी है। देखिए, मैं 10 आकांक्षी जिले बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों की बात नहीं हो रही है, छत्तीसगढ़ के आपके 10 आकांक्षी जिलों में, 10 आकांक्षी जिलों में आपका जो 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या कितनी है, 1869। ठीक, 1869 ग्राम, 1869, 1869। ठीक, ये ग्राम ऐसे हैं जहां पे आपकी जनसंख्या 1000 से अधिक है। देखिए, सर्वाधिक और न्यूनतम, ये जो है 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या है, यहां पे 1869, ठीक, 1869। अब इन 10 आकांक्षी जिलों में कौन सा जिला ऐसा है जहां पे 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या सर्वाधिक है। देखिए, ये तो टोटल है, टोटल 10 आकांक्षी जिलों में आपके इतने ग्राम शामिल है, लेकिन ये 10 आकांक्षी जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जहां पे 1000 से अधिक आबादी वाले ग्राम सर्वाधिक है। यदि हम यहां देखें, ये देखिए, सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव के 450 ग्राम ऐसे हैं राजनांदगांव के जहां पे आबादी 1000 से ज्यादा है। अगर हम न्यूनतम देखें तो न्यूनतम है आपके नारायणपुर, नारायणपुर के केवल 20 ग्राम ऐसे हैं, 10 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर के केवल 20 ग्राम ऐसे हैं जहां पे आबादी 1000 से ज्यादा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
10 आकांक्षी जिलों में 1000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की संख्या है आपका 1869, ठीक 1869, जिसमें सर्वाधिक है आपके राजनांदगांव में। राजनांदगांव में है आपका 450 ग्राम। राजनांदगांव के 450 ग्राम ऐसे हैं जहां पे आपकी आबादी 1000 से अधिक है। नारायणपुर में है सबसे कम, नारायणपुर में आपकी केवल 20 ग्राम है जहां पे आबादी 1000 से अधिक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये तो था आपका ग्राम। अब बात करते हैं हम ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत की संख्या है 10,976। छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत, देखिए ग्राम अलग होता है, ग्राम पंचायत अलग होता है। दो या दो से एक ग्राम या दो या दो से अधिक ग्रामों को मिला करके एक ग्राम पंचायत बनता है, ठीक। तो ग्राम और ग्राम पंचायत दोनों अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? 10,976। तो इस 10,976 ग्राम पंचायत में से 30.64% ग्राम पंचायत आपके 10 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ के 10,976 ग्राम पंचायतों में से 30.64 यानी 30.64% आपके ग्राम पंचायत 10 आकांक्षी जिलों के अंतर्गत आते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक आपका है राजनांदगांव। राजनांदगांव में आपके सर्वाधिक ग्राम पंचायत आते हैं, यानी छत्तीसगढ़ के कुल ग्राम पंचायत का आपका 7.27% आपके राजनांदगांव के अंतर्गत आता है। जबकि न्यूनतम है आपका नारायणपुर। नारायणपुर में छत्तीसगढ़ के कुल ग्राम पंचायत का 0.89% आपका 0.89% आपका ग्राम पंचायत नारायणपुर के अंतर्गत आता है। ये जो है ये आपके आकांक्षी जिलों के आंकड़े हैं, ठीक। छत्तीसगढ़ के आपके 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक ग्राम पंचायत मौजूद है आपके राजनांदगांव में। राजनांदगांव में क्यों? क्षेत्रफल देख लीजिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से काफी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है सर्वाधिक ग्राम पंचायत उसी के अंडर में आएंगे। नारायणपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे आपका ग्राम पंचायत के परसेंटेज वहां पे कम होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका 991। ये छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है। छत्तीसगढ़ का 27 जिलों का यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो ओवरऑल लिंगानुपात है जनगणना 2011 के अनुसार, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका 991। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की यदि हम बात करें, यानी 7 बस्तर संभाग के कोरबा, महासमुंद और राजनांदगांव। 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात है आपके कोंडागांव में। कोंडागांव का लिंगानुपात आप आकांक्षी जिलों में देखें या फिर आप छत्तीसगढ़ में ओवरऑल देखें, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात या 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो वो है कोंडागांव, 1033। कोंडागांव का लिंगानुपात है 1033। न्यूनतम है 10 आकांक्षी जिलों, 10 आकांक्षी जिलों की सूची में, 10 आकांक्षी जिलों की सूची में कोरबा। कोरबा में जो है आपका लिंगानुपात सबसे कम है। देखिए क्या है, 10 आकांक्षी जिलों में, 10 आकांक्षी जिलों में जो लिंगानुपात न्यूनतम है आपके कोरबा में है आपका 969, ठीक 969। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए छत्तीसगढ़ के जो आपके 10 आकांक्षी जिले हैं, 10 आकांक्षी जिलों में से 1000 से अधिक जो है लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिले कितने हैं? देखिए लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 लड़कों में लड़कियों की संख्या। यदि 1000 से अधिक हो रहा है यानी वहां पे लड़कियों की जो स्थिति है, ठीक, यानी वहां पे लड़कियों का जो जन्म दर है वो काफी अच्छा है, ठीक। तो देखिए 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले आकांक्षी जिलों की संख्या कितनी है? तो 10 में से 7 जिले ऐसे हैं जहां पे लिंगानुपात 1000 से अधिक है। कौन कौन से है? पहले नंबर पर है कोंडागांव 1033, दूसरे नंबर पर है दंतेवाड़ा 1023, तीसरे नंबर पर है बस्तर और सुकमा। बस्तर, सुकमा और महासमुंद तीनों है, बस्तर भी है, सुकमा भी है, महासमुंद है, तीनों का है आपका लिंगानुपात 1017। राजनांदगांव का है आपका 1015 और कांकेर का है आपका 1006। तो छत्तीसगढ़ के आपके 10 में से 7 आकांक्षी जिले ऐसे हैं जहां का लिंगानुपात 1000 से अधिक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनडायरेक्टली प्रश्न यदि पूछ सकता है तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ में से आपके 10 आकांक्षी जिलों में से कितने जिलों की जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है। नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर।
नेक्स्ट है आपका साक्षरता दर। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर कितना है? 70.28%। छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर का परसेंटेज कितना है ओवरऑल 27 जिलों में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर है आपका 70.28%, जिसमें पुरुषों में जो आपके जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है आपका 80.27%। मैं क्या बात कर रहा हूँ, ओवरऑल अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। कहाँ मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, कहाँ 10 आकांक्षी जिलों की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के 27 जिले यानी ओवरऑल छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो उसका जो है आपका साक्षरता दर है 70.28%। यदि पुरुषों में देखें तो पुरुषों में आपका साक्षरता दर है आपका छत्तीसगढ़ में 80.27% और महिलाओं में आपका साक्षरता दर है 60.24%। ठीक, ये है आपका ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब हम बात करते हैं 10 आकांक्षी जिले। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक है आपका लिटरेसी रेट या साक्षरता दर सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव में। लिटरेसी रेट या साक्षरता दर सर्वाधिक कहाँ है? राजनांदगांव में 75.96% आपका यहाँ पे साक्षरता दर है। यदि हम न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में न्यूनतम साक्षरता दर है आपका सुकमा में 34.81%, 34.81%। ठीक, देखिए यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? राजनांदगांव। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है? सुकमा। अब यदि आकांक्षी जिलों में यदि पुरुष और महिला से भी यदि प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में से पुरुष साक्षरता सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, या छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में से न्यूनतम पुरुष साक्षर या न्यूनतम महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो उसमें भी आपको राजनांदगांव और सुकमा ही लगाना है। ठीक, यदि आपसे साक्षरता दर पूछे, पुरुष साक्षरता दर पूछे या महिला साक्षरता दर पूछे, तो उसमें ये आंकड़े सेम रहेंगे। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता राजनांदगांव, न्यूनतम पुरुष साक्षरता सुकमा, सर्वाधिक महिला साक्षरता राजनांदगांव, न्यूनतम महिला साक्षरता आपका सुकमा, या डायरेक्ट साक्षरता दर से प्रश्न आया तो सर्वाधिक साक्षरता दर राजनांदगांव, न्यूनतम साक्षरता दर सुकमा। इसको और लिख करके जबरदस्ती ये आंकड़े बढ़ाने से मतलब नहीं है, जो बता रहा हूं उसको साइड में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका शहरीकरण, शहरीकरण परसेंटेज। छत्तीसगढ़ का शहरीकरण परसेंटेज है आपका 23.24%। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24% आबादी आपके शहरों में निवास करती है। ठीक, ये है आपका ओवरऑल छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24% आबादी आपके शहरों में निवास करती है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों की। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में देखें तो छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है आपका कोरबा। कोरबा में लगभग 36.99% आबादी, छत्तीसगढ़ में आपके जो 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला है आपका कोरबा, जहां पे 36.99% आपकी पॉपुलेशन आपके शहरों में निवास करती है, जबकि न्यूनतम आपका जो शहरीकरण वाला जिला है 10 आकांक्षी जिलों में वो है आपका कोंडागांव। कोंडागांव में 10.02% आबादी कोंडागांव की आपके शहरों में निवास करती है। देखिए, हो सकता है आंकड़े काफी लेंदी हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिएगा। मेरा काम है एक बार में एक पूरे अध्याय को कंप्लीट करना। मैं चाहूँ तो इसका 2-3 पार्ट बना सकता हूँ, लेकिन वैसे पढ़ने में आप लोग को मज़ा नहीं आएगा। ठीक, भले आपका वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट के वीडियो बन सकते हैं, लेकिन एक बार में एक पूरा अध्याय कंप्लीट करना है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके याद कीजिएगा। आपका आर्थिक सर्वेक्षण का PDF मैं टाइप्ड पैटर्न में, पर्टिकुलर एक आपके टाइप पैटर्न में उसको एक मैं PDF बना रहा हूँ, जो आपके जुलाई एंड तक आपको मिल जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का PDF आपको जुलाई एंड तक मिल जाएगा। अपना नोट्स बनाना चाहते हो नोट से याद कर लीजिएगा, या आप PDF के लिए इंतजार करना चाहते हो तो PDF के लिए इंतजार भी कर सकते हैं, जुलाई एंड तक आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक शहरों में निवास करने वाली आबादी है आपके कोरबा में, न्यूनतम शहरों में निवास करने वाली आबादी है आपके कोंडागांव में। ठीक, देखिए स्वास्थ्य सूचकांक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अब तक एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये जो स्वास्थ्य सूचकांक या जो हेल्थ इंडेक्स है, ये आया था ये जिलों के आधार पर, छत्तीसगढ़ में प्रॉपर जिलों के आधार पर ये जो स्वास्थ्य सूचकांक आया था ये 2017 में आया था। 2017 के बाद से लेकर के अभी 2018
तक के एग्जाम में 2017 में भी इससे प्रश्न पूछे गए थे, 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, बताऊंगा कैसे कैसे प्रश्न पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस बार तो इसे आर्थिक सर्वेक्षण शामिल कर दिया गया है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। स्वास्थ्य सूचकांक, हेल्थ इंडेक्स, छत्तीसगढ़ का जो स्वास्थ्य सूचकांक है एट प्रेजेंट, मतलब 2017 तक की स्थिति में यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य सूचकांक है आपका 0.5211। छत्तीसगढ़ का हेल्थ इंडेक्स कितना है? 0.5211। 0.52 तक याद रखिएगा। ऑप्शन में यदि 0.52 आए या आपका 0.5211 आए, दोनों में से यदि आपका आता है तो आप उसमें पहला प्रेफरेंस दीजिएगा 0.5211 को। यदि ऑप्शन में आपको केवल 0.52 दिया है तो ऑप्शन में 0.52 लगाइएगा। यदि ऑप्शन में दो ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि 0.52 भी दिया है और 0.5211 भी दिया है, तो आपको ऑप्शन में लगाना है 0.5211। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए इंडेक्स, छत्तीसगढ़ या 10 आकांक्षी जिले, यदि आपसे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों के पूछे या 10 आकांक्षी जिलों के पूछे, दोनों के आंकड़े समान हैं। सर्वाधिक, यदि हम हेल्थ इंडेक्स देखें तो सर्वाधिक आपका जो स्वास्थ्य सूचकांक है, सर्वाधिक स्वास्थ्य सूचकांक है हमारे छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में, कोरबा का सर्वाधिक है 0.74। ये परसेंटेज में नहीं है ना, पॉइंट में है। कोरबा का हेल्थ इंडेक्स सर्वाधिक है 0.74। ठीक, न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम है आपका सुकमा का है आपका 0.18 है आपके सुकमा का। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल कितना है? 0.5211। छत्तीसगढ़ के 27 जिले या छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले, दोनों के आंकड़े सेम है। छत्तीसगढ़ के 27 जिले पूछे या 10 आकांक्षी जिले पूछे, तो सर्वाधिक है आपके कोरबा 0.74, न्यूनतम है आपका सुकमा 0.18। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है और ये कोरबा वाला प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछ चुका है। इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में शामिल किया गया है तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका मनरेगा। देखिए ये जो मनरेगा है इसमें जो आंकड़े शामिल है इसको देखिएगा। वितरित जॉब कार्ड, छत्तीसगढ़ के यदि हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल छत्तीसगढ़ के जो 27 जिले हैं, छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में आपका जो मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड जो वितरित किया गया है वो है आपका 38.56 लाख। ठीक, 38.56 लाख जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं। मनरेगा के अंतर्गत आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, छत्तीसगढ़ में 50 अतिरिक्त दिन का रोजगार दिया जाता है। तो जो भी आपके किसी भी एक परिवार को मतलब इसमें जॉब कार्ड मुहैया कराया जाता है। ठीक, बिना जॉब कार्ड के मनरेगा में आपको किसी प्रकार का कार्य नहीं दिया जाएगा। तो आपको यदि मनरेगा में कार्य करना है तो पर्टिकुलर उसका एक जॉब कार्ड बनाया जाता है। तो ये आंकड़े वही है, छत्तीसगढ़ में आपके जो वित्तीय वर्ष 2018-19 है इसमें जो आपके जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं वो है आपके 38.56 लाख आपके जॉब कार्ड वितरित किए गए हैं पिछले वित्तीय वर्ष में। ठीक, सर्वाधिक और न्यूनतम। अब यहां बात आती है, ये है आपके 10 आकांक्षी, यहां मैंने लिखा नहीं है, 10 आकांक्षी जिले, छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक जॉब कार्ड, छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक जॉब कार्ड आपके राजनांदगांव जिले में आपके वितरित किए गए हैं, वो है आपके 2.55 लाख, 2.55 लाख आपके जॉब कार्ड छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक राजनांदगांव में वितरित किए गए हैं। और न्यूनतम वितरित किया गया है आपके नारायणपुर में 22,000। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक जॉब कार्ड राजनांदगांव में, न्यूनतम नारायणपुर में वितरित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक, अब देखिए, अब है आपका श्रम दिवस, छत्तीसगढ़ का कुल श्रम दिवस, यहाँ क्या बात हो रही है, छत्तीसगढ़ का कुल श्रम दिवस, छत्तीसगढ़ का मतलब 27 जिलों की बात हो रही है। ठीक, छत्तीसगढ़ का कुल श्रम दिवस, अब यहाँ पे इसे अलग अलग क्लासिफाइड करके बताया है, अनुसूचित जाति का बताया, अनुसूचित जनजाति का बताया, महिला का बताया है। तो देखिए ये जो मनरेगा के अंतर्गत है, मनरेगा के अंतर्गत जो आपके कार्य दिवस दिए जाते हैं, तो इसमें देखिए अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट छत्तीसगढ़ में आपके मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य दिवस अलॉट किए गए, देखिए कितने दिन आपके मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिवस अलॉट किए गए इसे हम आगे देखेंगे,
आगे जैसे ही आगे आपका शायद ग्रामीण विकास वाले टॉपिक में है ये कि मनरेगा के अंतर्गत कितने कार्य दिवस अलॉट किए गए, उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको याद करना केवल परसेंटेज। तो छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत जितने भी कार्य दिवस थे उस कार्य दिवस का 10.02% 10.02% आपका कार्य दिवस अनुसूचित जाति वर्ग को आवंटित हुआ है। मनरेगा के अंतर्गत कुल कार्य दिवस का या कुल श्रम दिवस का 10.02% श्रम दिवस आपके अनुसूचित जाति वर्ग शेड्यूल्ड कास्ट को आवंटित हुआ, ठीक। छत्तीसगढ़ के कुल श्रम दिवस का आपका 34.36% 34.36% श्रम दिवस आपके अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग को आपके आवंटित हुआ। और छत्तीसगढ़ के कुल श्रम दिवस मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कुल श्रम दिवस का आपका 49.85 यानी 49.85% श्रम दिवस आपके महिला वर्ग को आवंटित हुआ। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये महिला वाला, महिला से पूछा जा चुका है। मनरेगा के अंतर्गत कुल कितने प्रतिशत श्रम दिवस आपके महिलाओं को आवंटित किया गया, तो वो है आपके 49.85%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 27 जिलों की बात हो रही है, अनुसूचित जाति वर्ग को 10.02, अनुसूचित जनजाति वर्ग को 34.36, महिला वर्ग को आपके 49.85% आपका श्रम दिवस आवंटित किया गया है, ठीक। देखिए, अब तो ये हो गया छत्तीसगढ़ के पूरे 27 जिलों का हो गया। अब हमको देखना है 10 आकांक्षी जिले, ये जो क्लासिफिकेशन है तो 27 जिलों का है। अब 10 आकांक्षी जिलों में देखो, 10 आकांक्षी जिलों में आपका एससी कैटेगरी ओवरऑल कितना है, 10.02%। यदि हम 10 आकांक्षी जिलों में देखें तो सर्वाधिक आवंटित हुआ है आपके महासमुंद में और सबसे कम आवंटित हुआ है आपके सुकमा में। पहले जिलों के नाम याद करिएगा, उसके बाद परसेंटेज याद कीजिएगा। सर्वाधिक महासमुंद में 9.87%, सबसे कम आवंटित हुआ है श्रम दिवस आपके 1.27% सुकमा में। शेड्यूल्ड ट्राइब में देखिए तो ओवरऑल मनरेगा के अंतर्गत कुल श्रम दिवस का आपका 34.36% आपका कार्य दिवस अनुसूचित जनजाति वर्ग को आवंटित हुआ है। यदि हम 10 आकांक्षी जिलों में देखें तो छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में सर्वाधिक आपका श्रम दिवस आवंटित हुआ है आपके सुकमा जिले में 84.41%, 84.41%। सबसे कम आवंटित हुआ है आपके राजनांदगांव में 24.41%, 24.41%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला वर्ग की देखिए, यदि हम ओवरऑल देखें छत्तीसगढ़ में तो महिला वर्ग को कितने प्रतिशत कार्य दिवस आवंटित हुआ है, 49.85%। यदि हम 10 आकांक्षी जिलों की बात करें तो 10 आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव में सर्वाधिक आपके महिलाओं को श्रम दिवस आवंटित हुआ है, वो है आपके 59.63%, 59.63%। और सबसे न्यूनतम आपका महिला श्रम दिवस आवंटित हुआ है 10 आकांक्षी जिलों में, वो है आपके कोरबा में है आपका 46.51%, ठीक। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा, मतलब छत्तीसगढ़ में जो आपका क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधा छत्तीसगढ़ में जो आपके कितनी तत्परता से और कितने एक्टिव तौर पर आपके स्वास्थ्य सुविधा मौजूद है। देखिए, स्वास्थ्य सुविधा जैसे हॉस्पिटल हो गया, आपके एम्बुलेंस फैसिलिटी हो गया, ये आपके क्विक रिस्पॉन्स है ना, मतलब ये क्या है, क्रियाशील है, मतलब एक्टिव प्रेजेंट है। तो छत्तीसगढ़ की जो 27 जिले, यदि हम ओवरऑल छत्तीसगढ़ में बात करें, इंपॉर्टेंट है, इसे मुख्य बिंदु में आपका शामिल था, ये मुख्य बिंदु में शामिल है, इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु में शामिल था, इसको याद रखिएगा कि ओवरऑल छत्तीसगढ़ में आपका 76.55% 76.55% क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधा मौजूद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में 76.55% ठीक 76.55% क्रियाशील चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है। अगर हम देखें कि यहाँ पे जो 10 आकांक्षी जिलों में यदि हम देखें तो आपका कांकेर में यदि हम देखें तो कांकेर में है 100% कैसे है तो मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि हर जगह तो पहुँच पॉसिबल नहीं है, दुर्गम क्षेत्र है। इसके बावजूद भी कांकेर में क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधा 100% मौजूद है, ये आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया, ये मेरे आंकड़े नहीं है, है ना, वरना ये बोलोगे कि हम कांकेर के निवासी है, हमको मालूम है कि यहाँ पे पर्टिकुलर स्वास्थ्य सुविधा यहाँ पे मुहैया नहीं है, कांग्रेस सरकार बीजेपी सरकार मत करना, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, उठा के देख लेना।
कांकेर में है आपकी 100%, और आपके है 10 आकांक्षी जिलों में दंतेवाड़ा ऐसा है जहां पे आपका चिकित्सकीय सुविधा न्यूनतम है, 10 आकांक्षी जिलों की बात कर रहा हूं। कांकेर में है आपकी 100% मैक्सिमम है आपके कांकेर में, 10 आकांक्षी जिलों में बोले, या ओवरऑल हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें, ओवरऑल छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक चिकित्सकीय सुविधा आपके किस, मतलब सर्वाधिक क्रियाशील चिकित्सकीय सुविधा किस जिले में मौजूद है, तो वो है कांकेर में। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों में न्यूनतम चिकित्सकीय सुविधा या न्यूनतम क्रियाशील चिकित्सकीय या न्यूनतम क्रियाशील स्वास्थ्य सुविधा किस जिले में मौजूद है, तो वो है आपका दंतेवाड़ा 49.23%। ठीक, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है, आंकड़े देख के घबराइएगा, नोट डाउन करके रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके याद करते चलिएगा। सबसे पहले सर्वाधिक और न्यूनतम, इसमें जिलों के नाम याद करने हैं, पहले जिलों के नाम याद हो जाए तो धीरे से उसका परसेंटेज याद कर दिएगा। एक साथ सभी आंकड़ों को याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है आज का वीडियो काफी लंबा बना हो, लेकिन चीजों को एक बार में हम पूरा का पूरा एक अध्याय कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो चीजें इधर की उधर हो जाएगी, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा और सारे चीजें आपको एक दूसरे से लिंक रहती है। अगर हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे तो पार्ट पार्ट में पढ़ने से ये पूरा लिंक टूट जाता है। ठीक, भले वीडियो लंबा बनेगा, आराम से इत्मीनान से एक बार देखिएगा, दो बार देखिएगा, अच्छे से समझ करके नोट डाउन करके पढ़िएगा। ठीक, जुलाई माह के एंड तक आपका ये आर्थिक सर्वेक्षण का पर्टिकुलर एक प्रॉपर पीडीएफ बना करके रेडी करने का भी प्लानिंग है, हो जाएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।